तो आइए बात करते हैं कबड्डी के दूसरे मैच की जो कि खेला गया है दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में। और इस मैच में दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस की दोनों की कांटे की टक्कर थी और दबंग दिल्ली ने लास्ट में जाते जाते इस मैच को जीत लिया। मात्र एक पॉइंट के अंतराल से मैच जीता गया है। तो आइए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले कबड्डी मैचेस के हाईलाइटेड पॉइंट सबसे पहले। तो इस मैच का फाइनल स्कोर देखने को मिला 33-34 का, जहां पर अगर बात की जाए दबंग दिल्ली और तेलुगु टाइटंस की रेड पॉइंट्स की, तो तेलुगु टाइटंस ने रेड पॉइंट में ज्यादा पॉइंट कमाए, जहां पर तेलुगु टाइटंस ने 27 पॉइंट लिए, वहीं दबंग दिल्ली 24 पॉइंट ही ले पाई। सुपर रेड की अगर बात की जाए तो सुपर रेड एक रेड की गई तेलुगु टाइटंस द्वारा, जबकि दिल्ली द्वारा कोई भी रेड सुपर नहीं की गई। टैकल पॉइंट में भी एक का डिफरेंस रहा, जहां पर दबंग दिल्ली ने ज्यादा एक पॉइंट लिया। वहीं ऑल आउट एक बार दबंग दिल्ली ने तेलुगु टाइटंस को किया और यहीं से जीत का अंतराल निश्चित हो गया और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि दबंग दिल्ली को मिला वो उन्हें जीत दिला गया। बात की जाएगा सबसे पहले दबंग दिल्ली के प्लेयर्स की, अगर रेडर्स की और टैकल यानी कि डिफेंडर्स की बात की जाए तो नवीन कुमार ने 12 रेड की, वहीं 12 रेड पॉइंट 3 बोनस पॉइंट के साथ 15 टोटल पॉइंट लेकर आए, यानी कि सुपर 10 पूरा कर लिया है और आज के सबसे ज़्यादा हाई स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। अभी तक अगर बात की जाए, अगर तेलुगु टाइटन्स की बात की जाए तो सूरज देसाई जिन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर करके वो आज के सबसे बड़े खिलाड़ी बने, यानी कि दबंग दिल्ली के सबसे ज़्यादा हाई जो स्कोर करने वाले बने हैं 15 पॉइंट के साथ नवीन कुमार। वही चंद्रन रजित ने 6 टोटल पॉइंट लिए, जहाँ पर 3 रेड पॉइंट वहीं 3 बोनस पॉइंट। जोगिंदर सिंह नरवाल ने 3 टैकल पॉइंट लिए, वहीं 1 बोनस पॉइंट के साथ 4 टोटल पॉइंट हुए। रविंद्र पाल ने 3 टैकल पॉइंट, मिराज शेख ने 1 रेड पॉइंट वहीं 1 बोनस पॉइंट, विजय ने 1 रेड पॉइंट लिया, वहीं इनके बाद विशाल माने वगैरह कोई उन्हें पॉइंट नहीं मिल पाया। अगर बात की जाए तेलुगु टाइटन्स की, तो सिद्धार्थ देसाई के बाद अब सूरज देसाई ने अपना खाता एक बड़ी अच्छी तरीके से खोला है, सुपर 10 पूरा किया, 13 टच पॉइंट वहीं 5 बोनस पॉइंट के साथ 18 टोटल पॉइंट लिए। सिद्धार्थ देसाई ने 4 रेड पॉइंट वहीं 4 बोनस की पॉइंट के साथ टोटल रेड पॉइंट और बोनस पॉइंट को मिलाकर 8 पॉइंट लिए। विशाल भारद्वाज ने 3 टैकल किए, वहीं 1 बोनस पॉइंट मिला। अमित कुमार ने 1 बोनस वहीं 1 टैकल, वहीं फराद मिला गर्दन को 1 रेड पॉइंट मिला। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से हमने बात कर ली रेडर्स और डिफेंडर्स की, तो इस प्रकार से दबंग दिल्ली ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बदौलत यह मैच जीत लिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।